अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, तो ये वीडियो उनके लिए कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कौन सा ईमेल फॉर्मेट यूज़ करें, या कुछ फ्रेंड्स को फैकल्टी लिस्ट नहीं मिल रही थी, या ईमेल फॉर्मेट रिमाइंडर कैसे यूज़ करें, कौन सा रिमाइंडर हम यूज़ करें, बताऊँगा कि फैकल्टी लिस्ट कैसे सर्च करते हैं। सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए कि चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका डोमेन है, वो आप सी एस सी की वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं कि आपका डोमेन कौन सी यूनिवर्सिटी में है। मैं अभी चाइना की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है सुंगा यूनिवर्सिटी, इसमें आपको फैकल्टी दिखाता हूँ कि कैसे फैकल्टी हम सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी का नाम, आप देखेंगे मैंने फैकल्टी लिस्ट लिखा हुआ है। सही, अगर हम सिविल के लिए सर्च करना चाहते हैं ना, तो सिंगा यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी लिस्ट लिखेंगे। अगर हम किसी और के लिए, किसी और डोमेन या डिपार्टमेंट के लिए हम सर्च करना चाहते हैं, तो वो हम डिपार्टमेंट लिखेंगे। अब ये मैं लिखता हूँ, तो सिंगा यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी लिस्ट है ये वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम जाएंगे, इसमें जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट उनके अपने अपने डोमेन होंगे, जैसे सिविल में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या कंस्ट्रक्शन हो गया, या हाइड्रोलिक्स हो गया। तो हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोफेसर के प्रोफाइल पे हम चलते हैं। सी, अब इस प्रोफेसर के प्रोफाइल पे हम गए हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसकी रिसर्च एरिया क्या है, ये वाली चीज, क्योंकि आपको फ्यूचर में इस पे काम करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे ईमेल सेंड करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम कौन से डोमेन में सेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर आपस में कनेक्टेड होते हैं। कोई स्टूडेंट ईमेल सेंड करता है, एक्सेप्ट करने से पहले डिफरेंट प्रोफेसर से, वो डिसीजन लेने से पहले आप पूछते हैं वो प्रोफेसर कि हम इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करें, क्या इसने आपको ईमेल सेंड की है, या ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सही, अगर हम डिज़ाइन एनालिसिस मेथड इसमें हम करना चाहते हैं रिसर्च सिविल इंजीनियरिंग में है, तो हम इसको प्रोफेसर को ईमेल करेंगे। अब सिंपल मेथड है, ईमेल करना क्या, ये ईमेल लिखी हुई है, यहाँ से हम ईमेल फॉर्म ईमेल कॉपी करेंगे। ईमेल कॉपी की हमने, अब हम जाएंगे जीमेल पे। करने के बाद आप सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, आप ईमेल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट ईमेल फॉर्मेट मैंने बनाए हुए हैं। ये एक फर्स्ट जो ईमेल फॉर्मेट है ये अट्रैक्टिव है और थोड़ा छोटा सा है। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव प्रोफेसर प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, या एसोसिएट प्रोफेसर तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, माय नेम इज एक्स वाई जेड फ्रॉम कंट्री, अपने कंट्री का नाम लिखेंगे, और बैचलर आपने जहाँ से की है, यूनिवर्सिटी से, और जिस मेजर में की है। उसके बाद अपनी फील्ड लिखेंगे, यहाँ पे फील्ड और रिसर्च एरिया भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और जितने आपने पेपर वगैरह पब्लिश किए हुए या जितना काम किया वो भी हल्का सा आप शेयर कर सकते हैं। ये सबसे छोटा ईमेल फॉर्मेट है और यही अट्रैक्टिव ईमेल फॉर्मेट आजकल चल रहा है, जिससे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल सकते हैं। और ये ईमेल आपको चाइनीज टाइम के मुताबिक 9 बजे भेजनी होगी। जैसे आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं तो आप सुबह नमाज पढ़ के आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरा ये ईमेल फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा लेंथी ईमेल फॉर्मेट है, मगर ये भी अट्रैक्टिव ईमेल फॉर्मेट है। तो ये भी आप स्क्रीन शॉट दोनों ईमेल फॉर्मेट का ले सकते हैं, और थोड़ी एडिटिंग करके यही आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, पाकिस्तान, इसलिए आपका जो कंट्री वो मेंशन करेंगे, और डिग्री जहाँ से आपने की है, बैचलर जिसमें की, वो आप मेंशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लेंदी ईमेल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, लाइक जिससे उनको रिस्पांस नहीं आता प्रोफेसर से, फिर बोलते हैं कि हमें रिस्पांस नहीं आना, हम क्या करें। तो इसलिए आप अट्रैक्टिव और छोटा सा ईमेल फॉर्मेट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वाला ईमेल फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, वहां से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये पूरी डिटेल आप पेस्ट करेंगे। इज लाइक आई होप यू विल बी फाइंड माय नेम इज, अपना नाम लिखेंगे, कंट्री वगैरह ये सब डिटेल आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ से ईमेल में आप क्या करेंगे कि अपनी सीवी पेस्ट करेंगे। इज लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं सीवी पेस्ट कर रहा हूँ, सीवी पेस्ट कर दी, उसके बाद आप यहाँ से सेंड करेंगे। आप सारे प्रोफेसर को ईमेल करें जो भी आपके डोमेन से रिलेटेड है। इसके बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, 2 दिन के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं आता, तो आप प्रोफेसर को रिमाइंडर सेंड करेंगे कि डियर प्रोफेसर, मैंने आपको ईमेल सेंड की थी इस दिन, और रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस लेटर आप बिजी होंगे, तो अगर आपके पास वैकेंसी है आपके लैब में तो आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, तो मैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए या सिंगा यूनिवर्सिटी की दूसरी बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए। इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे, उस पर साइनअप कैसे करेंगे, या कैसे अप्लाई करेंगे हम, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है।
तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।